गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। हम इसके अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बाद रूल हो पढ़ेंगे। हम यूज के तीन रूल्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप तो बखूबी जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव चाहे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। तो इसी के बारे में हमें क्या इस लेक्चर में कंप्लीट करना है बतला दिया। अब डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं। डेफिनेशन यही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस एक्शन का यूज करते हैं, उस एक्शन को लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कंटिन्यू था, दैट वाज कंटिन्यूइंग, जो कंटिन्यू रहा था, जो कंटिन्यू रहा था इन द पास्ट, पास्ट समय में, बीते हुए समय में जो कंटिन्यू रहा था फॉर सम टाइम। कंटिन्यू रहा था से क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ रहा था, यहां से आप समझ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कोर्स कर रहा हूँ, सीसीए वर्क कर रहा हूँ, चाहे मैं मैट्रिकुलेशन कर रहा हूँ, चाहे मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। पार्टिकुलर पीरियड में जितना होता है जो कोर्स होगा उतना देर ही मैं पढ़ रहा था पास्ट में, लेकिन हाँ तो इतने समय के लिए कंटिन्यू था। तो यही देखा ना, वाज कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रहा था इन द पास्ट, और सम टाइम का मतलब जो काम जितना टाइम लगता है उतना देर ही किया, उतना दिन ही किया या उतना महीना ही किया या उतना मिनट ही किया, मतलब निर्धारित समय तक के लिए किया। तो ये आप याद रखेंगे कि वैसा एक्शन जो निर्धारित समय तक पास्ट में कंटिन्यू रहा था उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जरा देखिए एग्जांपल, मदर वाज हेल्पिंग मी इन माय होमवर्क, माता मेरे गृह कार्य में हेल्प कर रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी। तो गृह का मेरे गृह कार्य में मेरी हेल्प कर रही थी, कब? जब मैं बच्चा था तब हो सकता है, जब मैं टेंथ में था तब हो सकता है, जब मैं एथ में था तब हो सकता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, फॉर सम टाइम इन पास्ट कर रही थी, कंटिन्यू रहा, ये हो गया। ठीक, द ड्राइवर वॉज टॉकिंग टू द पैसेंजर, ड्राइवर पैसेंजर से बात कर रहा था। तो यहाँ पे कर रहा था मतलब तीन नंबर मैच कर दिया, यहां से कंटिन्यू रहा और ड्राइवर वॉज टॉकिंग, ये हो गया पास्ट टेंस का है ही, वाज है तो दो नंबर मैच किया। और सम टाइम, सम टाइम कैसे होगा? तो ड्राइवर पैसेंजर से बात कर रहा था, क्या हमेशा बात करेगा, जिंदगी भर तो बात करेगा नहीं, कुछ मिनट के लिए बात करेगा। तो यहाँ पे यह भी सम टाइम भी मीट कर रहा है। आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा था, मैं घूम रहा था, तो यहाँ पे घूम रहा था पास्ट टेंस, कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा था क्योंकि वॉकिंग करने का जो होता है कुछ समय ही होता है, आप आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा घूम सकते हैं, दिन भर तो घूम नहीं सकते। नाउ रीमा वाज फीलिंग हंगरी, रीमा भूखा महसूस कर रही थी। अब रीमा भूखा महसूस कर रही थी, हमेशा तो नहीं कर रही थी, भूख लगी तो हल्ला मचा दिया, फिर मम्मी ने खाना दिया, भूख खत्म हो गई। तो ड्यूरिंग दस टेन मिनट्स पीरियड के लिए वो क्या थी? भूखा महसूस कर रही थी, तो थी पास्ट टेंस, महसूस कर रही थी कंटिन्यू था, पीरियड भी दे रहा है कि कुछ पीरियड ही होगा लाइक टेन मिनट्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे एक्शंस को हम यूज करते हैं, लिखते हैं जो पास्ट टेंस में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा था। आगे आगे है आइडेंटिफिकेशन हिंदी में, और क्रिया के अंत में क्या क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। आप तो यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने भी रहा था यूज किया था, कंटिन्यू रहा था, वहां बार बार बोल रहे हैं तो रहा 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 ही तो रहेगा ही, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर क्रिया का अंत में है तो वह हिंदी का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट
फिर इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होगा, अपूर्ण भूतकाल में होगा। जैसे राम पत्र लिख रहा था, एक क्रिया है, इसके अंत में रहा था। यहाँ पे लिख रही थी क्रिया है, अंत में रही थी। यहाँ पे लिख क्रिया है और रहे थे रहा था। ठीक, इनका ट्रांसलेशन अगले स्लाइड में कर लेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में देख लिया आपने, रहा था, रही थी, रहे थे, ये होना चाहिए क्रिया के अंत में। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हिंदी तो आप जानते हैं, बनावट हिंदी होती है इसकी। बनावट क्या है? सभी टेंसेस के बनावट में रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट रह गया। अब उसके बाद कहानी है हेल्पिंग वर्ब की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। इसे पढ़ते हैं वाज या वर। वाज पढ़िए, वेयर पढ़िए, पढ़ सकते हैं लेकिन यही पढ़ना चाहिए आपको, वाज या वर। और साथ में वी फोर। वी फोर का मतलब क्या होता है? वर्ब में आई एन जी। तो बनाते हैं वाज वर के बारे में। आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर तो वाज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर का प्रयोग करते हैं। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। राम पत्र लिख रहा था, तो राम तो सब्जेक्ट हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। लिख रहा था तो राइटिंग होता है, इसका राइट का आईएनजी लगा दिया, और पत्र तो अ लेटर। फिर है सीता पत्र लिख रही थी, तो फिर सीता, फिर सीता सिंगुलर है तो वाज, और फिर राइटिंग अ लेटर। वे लोग पत्र लिख रहे थे, तो वे लोग आप जानते हैं दे प्लूरल है, तो यहाँ पे वर, और फिर राइटिंग तो हर जगह रहेगा, राइटिंग दे है तो वो लोग एक से अधिक चिट्ठियां लिख रहे होंगे तो लेटर्स कर देंगे। तुम पत्र लिख रहे थे तो यू, यू के साथ आप जानते हैं वर आता है, और फिर राइटिंग रहेगा ही रहेगा, और फिर अ लेटर रहेगा। मैं पत्र लिख रहा था तो आई, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, और राइटिंग अ लेटर होगा। ये आपने देख लिया। सब्जेक्ट प्लूरल तो इधर प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, और आई को भी सिंगुलर मानता है तो यहाँ पे वाज। अब है केस वन, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका नियम है, तीन नियम है जो मोस्टली यूज होता है। एक नियम तो वही है जो हम डेफिनेशन में पढ़े थे, कि जो एक्शन पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा था उसे हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और आपने देखा है जितना भी टेंसेस पढ़ रहे हैं और यूज का जैसे पढ़ते हैं हम, तो पहला जो नॉर्मल यूज होता है, जो डेफिनेशन के अनुसार होता है, उसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा हुआ है, और वी वर प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, मतलब अभी आज सपोज रात है, तो रात से पहले इवनिंग थी आज, तो इस संध्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या पास्ट हो गया। और फिर जो मतलब खेलने का जो टाइम होता है, फुटबॉल का जो ड्यूरेशन होता है उतना ही, तो सम टाइम हो गया, और खेल रहे थे उतना देर कंटिन्यू रहा था, तो यहाँ पे तीनों मिट गया। राम वाज राइटिंग लेटर्स ऑल डे, ऑल डे मतलब दिन भर, दिन भर राम चिट्ठियां लिखता रहा था, तो यहाँ पे पहले तो लिखता रहा था, तो था हो गया, पास्ट हो गया, और फिर लिखता रहा था तो कंटिन्यू भी रहा कुछ समय के लिए, और दिन भर रहा, दिन भर तो कुछ समय भी ये आ गया, तीनों मिट किया। इट वॉज रेनिंग ऑन 18 मार्च 21, आज 19 मार्च है, या आज 19 मार्च है, तो इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी ऑन 18 मार्च 21, मतलब 18 मार्च 21 को वर्षा हो रही थी। तो अब क्या है, एक तो पास्ट हो गया, यहाँ पे पूरे 18 तारीख को वर्षा हुई है, तो सम टाइम यहाँ पे निर्धारित टाइम हो गया, और इट वॉज रेनिंग मतलब काम कंटिन्यू रहा था दिन भर, तो सब मीट कर रहा है। द वॉटर लेवल ऑफ गंगा वॉज गोइंग अप, गंगा का, गंगा नदी का, चाहे गंगा का पानी का स्तर बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था, बरसात में ही बढ़ता है जब खूब वर्षा होती है, तो कुछ टाइम के लिए हो जाएगा बढ़ रहा था, तो
पास्ट हो गया और बढ़ रहा था तो कंटिन्यू भी रहा था। तो इस तरह से जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहता है उसका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे जानते ही हैं। तो जो डेफिनेशन था उसी को फिर से समझा दिया आपको। दूसरा नंबर भी आपको समझा दिया है हमने, जो वीडियो था जिसमें यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पढ़े थे उसमें सेम था, ऐसा ही था लिखा हुआ ऊपर, और यही दोनों एग्जाम्पल थे, लेकिन थोड़ी सी एडिशनल जानकारी यहाँ पे नोट में है जिसे हम ठीक से समझेंगे। पहले फिर से कर लेते हैं कि अगर पास्ट टेंस है, कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है और उस सेंटेंस में दो वर्ब है, दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो हमने बताया था कि दोनों वर्ब्स या तो सिंपल पास्ट टेंस में होंगे, जब हम सिंपल पास्ट का पढ़ रहे थे तभी उसी में यूज किया था, या पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे तो अब फिर से यूज किया क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ रहे हैं हम। पास्ट टेंस के किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब होंगे तो दोनों वर्ब या तो सिंपल पास्ट में होंगे या पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे, इसीलिए हमने इसे सिंपल पास्ट में भी पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ रहे हैं। जैसे व्हाइल राम वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, यहाँ पे देखिए ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस, इसी का नीचे लिख दिया यह सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, कल समझा दिया है इसको। अभी जो ये नोट दिया है कि बोथ एक्शंस मस्ट गो टुगेदर, एक साथ होना चाहिए दोनों एक्शन, दोनों एक्शन एक साथ, जो कल हमने जो सिंपल पास्ट टेंस का जो यूज था उसमें छोड़ दिया था, उसे हम फिर से वहां भी आप समझ जोड़ लीजिएगा इसको, कि पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस जिसमें दो वर्ब है तो दोनों वर्ब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे अगर दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं तब। जैसे व्हाइल राम वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, जब राम डांस कर रहा था मैं गा रहा था, तो राम का डांस करना और मेरा गाना एक साथ हो रहा था एक्शन, इसीलिए एक ही टेंस का प्रयोग करना पड़ता है, वह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा व्हाइल वी वर टॉकिंग चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जब हम बातें कर रहे थे बच्चे खेल रहे थे, तो हमारा बातें करना और बच्चों का खेलना सब दोनों जारी थे एक साथ में, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। कहा पास्ट कंटिन्यूअस करिए चाहे सिंपल पास्ट करिए, तो यहाँ देखिए व्हाइल राम डांस आई सैंग, जब राम डांस करता था मैं गाता था, जब मैं हम लोग बात करते थे बच्चे खेलते थे, तो दोनों एक्शन साथ में हो रहा है। तो जब दो एक्शन साथ में होगा पास्ट टेंस में होगा तो उसमें हम केवल एक तरह का ही टेंस यूज करेंगे दोनों वर्ब्स के साथ, या तो सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। आप ये दो पे थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, दो से अधिक होगा तो क्या करेंगे, तो भी हम यही काम करेंगे। एंड यहाँ पे जोड़ दिया सेंटेंस में, एंड सीमा वाज लॉफिंग, राम डांस कर रहा था मैं गा रहा था और सीमा हंस रही थी, ठीक। तो दो से अधिक भी रहेगा तो यही कहानी आएगी, लेकिन सब टुगेदर होना चाहिए। अब डांस करना, गाना और हंसना एक साथ चल रहा है तीनों, तो ये रूल नंबर दो हुआ था। तीसरा रूल ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा लंबा भी है, समझना भी है। अगर एक एक्शन कंटिन्यू रहा है, कंटिन्यू है, पहला एक एक्शन कंटिन्यू है एक नंबर, अनदर एक्शन टुक प्लेस, दूसरा एक कंटिन्यू था दूसरा घटित हो गया, टुक प्लेस एंड कंप्लीटेड, घटित हो गया और कंप्लीट भी हो गया दूसरा, तो जो कंटिन्यू था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, एक नंबर को जो कंटिन्यू था उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, और दो नंबर जो कंटिन्यू काम के बीच में घटित हो गया और कंप्लीट भी करना पड़ गया उसे हम रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, दो नंबर। आप जानते भी है ना, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जो काम कंटिन्यू रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूअस में डालते हैं,
और जो काम कॉम्प्लीटेड था, सिंपल पास्ट का डेफिनेशन था, जो काम कॉम्प्लीटेड था उसे सिंपल पास्ट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे घटित हुआ और कंप्लीट भी हो गया तो सिंपल पास्ट में आएगा। तो जो कंटिन्यू था, कंटिन्यूअस टेंस, जो घटित हुआ और कंप्लीट हो गया उसे सिंपल पास्ट टेंस, दोनों को मैच किया हमने। अभी देखिए, आई सो राम व्हेन आई वाज रनिंग, जब मैं दौड़ रहा था। यह क्या है? दौड़ रहा था, यह कंटिन्यू है, एक नंबर। आई सो राम, मैंने राम को देखा, तो ये राम को देखा, एक काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने देखा, राम को देखा, कंप्लीट हो चुका है। दौड़ रहा था, इसी बीच राम को देखा है, मतलब काम कंटिन्यू है, बीच में काम आया और कंप्लीट भी हो गया, यह दो नंबर। तो एक नंबर वाला किस टेंस में? एक नंबर वाला एक नंबर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पर है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो नंबर वाला जो बीच में घटित हुआ, कंप्लीट भी हो गया, तो दो नंबर में, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। ऐसे ही व्हाइल आई वाज टीचिंग, जब मैं टीच कर रहा था, यहाँ पे देखिए एक नंबर, ये हो जाएगा कंटिन्यू रहा है, तो कंटिन्यू वाला एक नंबर, एक नंबर। वन कॉल ऑन माय सेल फोन केम, अबे दो नंबर। टीच कर रहा था, उस बीच में कॉल आया, तो आया और कंप्लीट भी हो गया, तो ये दो नंबर। तो दो नंबर सिंपल पास्ट में होगा और एक नंबर कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस में होगा। नाउ व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं वॉक कर रहा था, वॉक कर रहा था, कंटिन्यू है तो एक नंबर। द रेन स्टार्टेड, बरसात शुरू हुई, ठीक है, तो ये दो नंबर। तो जो चल रहा है वो कंटिन्यू है, उसे एक नंबर, जो खत्म हो गया वो दो नंबर। समझ रहे हैं? तो अगर एक सेंटेंस में एक काम चल रहा है, दूसरा बीच में ही आ गया, कंप्लीट भी हो गया, तो जो चल रहा है उसे कंटिन्यूअस, जो कंप्लीट हो गया उसे सिंपल पास्ट में दिखलाते हैं। और एक और चीज समझिए इसमें एक्स्ट्रा, यह है कि जो कंप्लीटेड एक्शन होता है ना, उसका इम्पोर्टेंस अधिक होता है, महत्व अधिक होता है। क्यों? महत्व अधिक नहीं होता तो कंप्लीट नहीं होता। जैसे आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई सो राम, मैं राम को देखा, राम को देखा कंप्लीट भी हो गया, मैं दौड़ रहा था, राम खड़ा था, ठीक है, मैं ध्यान नहीं देता उस पर, मैं दौड़ते रहता, देखते रहता, दौड़ते रहता, देखते रहता, जब दौड़ खत्म होता तब फिर उससे बात करता, तो एक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन इम्पोर्टेंट था तो ये क्या हुआ, देखा और मतलब बीच में घटित हुआ और फिर वो कंप्लीट भी हो गया। और ऐसा भी ध्यान रखिए दूसरे तरह से भी, कि एक काम जारी है, दूसरा बीच में आ गया, उसे कंप्लीट करना पड़ा। तो कोई काम कर रहा है, कोई बीच में बोल रहा है, फिर आप उसको फिर कंप्लीट करके आगे फिर दोबारा करते हैं, इसका मतलब जो बीच में काम आया वो इम्पोर्टेंट था। तो उस तरह से भी समझिए आप। तो इस तरह से हमने तीन यूज देखा है, रिकैप कर लेते हैं। एक, डेफिनेशन के अनुसार यूज पास्ट कंटिन्यूअस का। दूसरा यूज जो हमने कल देखा था सिंपल पास्ट की यूज में, वही यूज कर दिया है, इसमें जोड़ दिया है कि जो भी होंगे एक्शंस टुगेदर होंगे। तीसरा में अभी देख लिया, एक काम कंटिन्यू है, दूसरा बीच में आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो जो कंटिन्यू है कंटिन्यूअस, जो बीच में आकर कंप्लीट हो रहा है उसे पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट में दिखलाते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।